तो दोस्तों मुझे इस तरफ से आवाज आ रही है जो कि मेरी मिट्ठू की आवाज है। तो गाइस हेलो, आप उड़ना नहीं, ठीक है? तुम तो खाना पीना नहीं खाते, उड़ जाते हो। हाँ ठीक है, लोग देख रहे हैं, ये दो बालक हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं। नहीं, हमारा पैरोट अब अंदर जाएगा। चले जाओ मिट्टू, होए होए, अपने घर आ गए हो। हमारा पैरोट मिल चुका है मिट्टू, जो कि हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस हमारा ब्लॉग कुछ इस प्रकार से शुरू होगा, तो क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, तो टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं। तो गाइस आज मैं बता दे रहा हूँ, मेरा मिट्टू कल सुबह से उड़ा है, अभी तक आया नहीं। तो गाइस आज मैं उसे सारा दिन खोजूँगा और हर जगह खोजूँगा और हर पेड़ पर जाऊंगा, वहाँ मिट्टू मिट्टू बोलूंगा। जैसे ही वो मेरा आवाज़ सुनेगा ना, वो तो ज़रूर बोलेगा अगर यहीं आसपास कहीं होगा। तो गाइस आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, मैं अपने पैरोट को आज खोज करके रहूँगा। आप लोग को मैं वीडियो में दिखाऊंगा क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला मेरा पैरोट, तो वीडियो में ज़रूर रहिएगा। तो गाइस आज मेरा ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं इसे कुछ मतलब बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। चलो चलते हैं अपने पैरोट को ढूंढने। तो कितना सूना लग रहा है, मेरा पैरोट उड़ चुका है, अब मैं इसे खोज रहा हूँ। मिट्टू मिट्टू, मैं आवाज़ लगा रहा हूँ, कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। वो कहीं इसी आसपास है, क्योंकि वो उड़ता तो था नहीं और काफ़ी दिन से, और आज पता नहीं कैसे कल सुबह से उड़ चुका है। तो गाइस वो मेरी आवाज़ सुनेगा तो ज़रूर वो बोलेगा, चाहे वो जहाँ हो। मिट्टू मिट्टू। तो दोस्तों मुझे इस तरफ से आवाज़ आ रही है जो कि मेरी मिट्टू की आवाज़ है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं देखने, काफ़ी मैं घने जंगल में आ चुका। मिट्टू मिट्टू। तो गाइस मुझे इस पेड़ से आवाज़ आ रही है, तो मैं वहाँ जा के देखता हूँ। मेरा पैरोट मिल चुका है। तो गाइस आप, मैं बता रहा था कि इस पेड़ से आवाज़ आ रही है, तो मैंने सोचा कि यही इसी पेड़ से, तो गाइस आप लोग को दिखा रहे हैं। तो देखिए इसी पेड़ से आवाज़ आ रही है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, वे देखिए आवाज़ सुनाई दे रहा है ना। तो गाइस इसी पे अब मैं जाके चढ़ता हूँ इस पेड़ से और उसे अपने पास ले आता हूँ। वो देखो बोल रहा है ना, मिट्टू। अब मैं गाइस अब मैं चढ़ रहा हूँ इस पेड़ पे, जो कि अपने पैरों को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा मोटा है। अरे राम, मिट्टू 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 कहाँ है, बोलो एक बार। अरे वो बोल रहा है, कहाँ है, आ जाओ मेरे पास। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कल से उड़ा हुआ है और बोल रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके पास पकड़ने। हाँ आ रहा हूँ। काफ़ी परेशान हो गए हैं अपने पैरोट को, जो कि मिला था, पकड़ने गए थे और उड़ गया है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये दो बालक हैं जो कि हमारी हेल्प कर रहे हैं। मिट्टू, घना जंगला है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है, कहाँ है। मिट्टू मिट्टू कहाँ हो? ये सब लोग मिट्टू ले रहे हैं उस पे चढ़कर, हुआ हुआ पास मिट्टू बैठा हुआ है, वह चढ़ गए हैं इतना ऊपर बैठा, उसको कभी 2 घंटे से हेर रहे हैं कल से परों से, अभी मिल नहीं रहा है, वो हुआ पास बोल रहा है, आवाज दे रहे हैं। तो मिट्टू मिट्टू ये भी हेरा रहा है, वो देखो पकड़ लिए है, चीं चीं कर रहा है तोता, उत्ती बेर प्रधान ने अब पकड़ाई दिया है, अभी ती ती कर रहा है, पता नहीं है
पकड़ लिए तभी परोड़ मिल चुका है मिट्टू, जो कि अभी भूखा है, इसी के कारण ये काटता बहुत है। तो आप देख रहे हैं, अब इसको ले चलते हैं घर। ये देखिए पकना दिख रहा है ना, परोड अब अंदर जाएगा। चले जाओ मिट्टू, होए होए, अपने घर आ गए हो। कैसा लग रहा है मिट्टू, तुम तो सुबह से उड़ गए हो। फाइनली हमारा परोड आ चुका है, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। परोड भूखा है, आप लोग देख रहे हैं कैसे गुस्सा दिखा रहा, तो मैंने इसे दे दिया। खा लो मिट्टू, भूखे हो ना तुम। हाँ, तुम तो सुबह से उड़ गए हो और आ भी नहीं रहे हो घर बिना पकड़े। खा लीजिए। हाँ खा लो बाबू, हाँ खा लो, आप उड़ना नहीं, ठीक है। तुम तो खाना पीना नहीं खाते, उड़ जाते हो। हाँ ठीक है।